का मौका मिला कि क्या झूठ फैलाने वाले सच नहीं सुन पा रहे। दरअसल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब पीएम मोदी ने अब से कुछ देर पहले लोकसभा के बाद अब आज राज्यसभा में भी दिया, कल लोकसभा में दिया था। लोकसभा में पीएम मोदी के स्पीच के दौरान विपक्ष के सदस्य वेल में आकर नारेबाजी करते रहे पूरे 2.25 घंटे के आसपास। पीएम ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया, कल भी और आज भी। आज तो राज्यसभा में विपक्ष ने पीएम मोदी के संबोधन का वॉकआउट भी कर दिया। कल तो कम से कम लोकसभा में थे, हंगामा कर रहे थे, लेकिन आज तो निकल गए। पीएम ने कहा विपक्ष 140 करोड़ देशवासियों के जनादेश को लगता है पचा नहीं पा रहा है, झूठ फैलाने वाले सच सुन नहीं पा रहे हैं और मैदान छोड़कर भाग गए। तो राज्यसभा में विपक्ष के वॉकआउट की सभापति जगदीप धनखड़ ने भी भर्त्सना की। उन्होंने कहा कि आज वो सदन छोड़कर नहीं मर्यादा छोड़कर गए, ये हमारा नहीं बल्कि सदन का अपमान है। उन्होंने कहा कि ये इन लोगों ने मुझे पीठ नहीं दिखाई बल्कि संविधान को पीठ दिखाई है। भारत के संविधान का इतना अपमान इससे पहले सदन ने कभी नहीं देखा, सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा। सवाल यह कि 23 से 24 घंटे की चर्चा में प्रतिपक्ष के नेता सहित सभी विपक्षी दलों ने जमकर सवाल तो उठाए, उठाने भी चाहिए जायज सवाल, लेकिन दोनों सदनों में पीएम मोदी का जवाब सुनने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाए। हिट एंड रन का ऐसा दृश्य शायद सदन ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। तो पीएम ने कहा कि मणिपुर की स्थिति सामान्य बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है, मणिपुर पर जवाब दिया। मणिपुर में 11,000 से ज्यादा FIR हुए, 500 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए, आज स्कूल कॉलेज खुले हुए वहां पर। लेकिन इसमें सवाल यह है कि कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने क्या लोगों को गुमराह करने, अराजकता की स्थिति पैदा करने के लिए झूठ का सहारा नहीं लिया है, ये सवाल उठ रहा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जो लोग भारत की प्रगति को चुनौती के रूप में देखते हैं वो गलत हथकंडे अपना रहे हैं। उन्होंने इकोसिस्टम की बात की, कांग्रेस की मदद से ये इकोसिस्टम 70 साल तक फला फूला है, इसमें अंदर बाहर के सबके 17 के लोग शामिल हैं। पीएम ने कहा मैं उस इकोसिस्टम को चुनौती देता हूं कि उनकी हर साजिश का जवाब अब उसी भाषा में मिलने वाला है। तो सवाल ये है कि देश विरोधी ऐसी साजिशें इन दिनों क्या पराजित विपक्ष को बड़ी जीत बताकर लोगों को भ्रमित नहीं कर रही हैं? पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हमारे लिए मिशन है, ये हमारे लिए चुनाव में जीत हार का विषय नहीं है। तो विपक्ष के संविधान की रक्षा के नैरेटिव का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा इस जनादेश ने मुझे संविधान रक्षा के लिए तीसरी बार लगातार चुना है 60 साल बाद ऐसा हुआ देश में। पीएम ने कहा कि इन चुनावों में हमें देश की जनता की बुद्धिमत्ता पर गर्व है, लोगों ने विपक्ष के प्रोपेगेंडा को परास्त किया। संसद और इसकी परंपरा देश के आम जन की अभिव्यक्ति को गौरव प्रदान करती है, लेकिन मौजूदा सत्र में विपक्ष के रवैये ने देश को निराश किया है। तो बात यही है कि क्या झूठ फैलाने वाले सच को नहीं सुन पा रहे हैं, ये इसलिए बात उठ रही है क्योंकि जिस तरह से कि विपक्ष ने लोकसभा में पूरे 2.25 घंटे से भी ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री के जवाब के दौरान हंगामा किया और फिर राज्यसभा में तो आज वॉकआउट भी कर दिया, तो राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर क्या कुछ कहा, आइए पहले देख लेते हैं। आदरणीय सभापति जी, मेरे जैसे बहुत लोग हैं इस देश के सार्वजनिक जीवन में जिनके परिवार में कोई गांव का सरपंच भी नहीं रहा है, गांव का प्रधान भी नहीं रहा है, राजनीति से कोई सरोकार नहीं रहा है, लेकिन आज अनेक महत्वपूर्ण पदों पर पहुंच करके देश की सेवा कर रहे हैं। और उसका कारण बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान दिया है उसने हम जैसे लोगों को अवसर दिया, और मेरे जैसे अनेक लोग हैं जिनको बाबा साहब अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान के कारण यहां तक आने का अवसर मिला है, और जनता जनार्दन ने उस पर मोहर लगाई, तीसरी बार आने का मौका मिल गया। और कांग्रेस के इकोसिस्टम के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। 2014 में
सरकार में आने के बाद देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के साथ ही कांग्रेस का इकोसिस्टम भी रहा है। ये इकोसिस्टम से मिली खाद पानी, इसके दम पर ये कांग्रेस की मदद से ये इकोसिस्टम 70 साल तक फला फूला है। मैं आज सभापति जी इस इकोसिस्टम को चेतावनी देता हूं, मैं इस इकोसिस्टम को चेताना चाहता हूं, इकोसिस्टम की जो हरकतें हैं, जिस तरह इकोसिस्टम ने ठान लिया है कि देश की विकास यात्रा को रोक देंगे, देश की प्रगति को डिरेल कर देंगे, मैं आज इकोसिस्टम को बता देना चाहता हूं उसकी हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कल लोकसभा में कही थी और आज राज्यसभा में भी उन्होंने संबोधन दिया। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। 1 जुलाई को फटाखट दिवस भी मनाया है, लोग अपने बैंक अकाउंट चेक कर रहे थे कि 8,500 रुपए आए कि नहीं आए। ये झूठ नैरेटिव का परिणाम देखिए, इसी चुनाव में कांग्रेस ने देशवासियों को गुमराह किया, माताओं बहनों को हर महीने 8,500 रुपये देने का झूठ, इन माताओं के बहनों के दिलों को जो चोट लगी है ना, वो श्राप बन करके ये कांग्रेस को तबाह करने वाली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कल लोकसभा में कही थी, आज राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री ने विपक्ष को जवाब दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का प्रधानमंत्री ने ये जवाब दिया और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री ने जो विपक्ष का रवैया रहा उसको निशाना बनाया कि ये रवैया ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने इकोसिस्टम के बारे में जो बातें कही वो भी हमने देखा और प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बात कही कि झूठ बोलने वाले क्या सच को नहीं सुन पा रहे हैं, ये सवाल प्रधानमंत्री ने उठाया है। इसी पर आज खास चर्चा हम कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, यहीं पर स्टूडियो में मौजूद हैं टीना कर्मवीर जी, डॉक्टर टीना कर्मवीर कांग्रेस की प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत। साथ में गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी भी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत गोपाल जी आपका भी। मैं चर्चा को बढ़ाता हूँ विनोद जी के जरिए। विनोद जी, कल से लेकर आज तक हमने जवाब सुना और मुझे याद है कि एक दिन जब हम चर्चा कर रहे थे जिस दिन राहुल गांधी बोल रहे थे तो आपने कहा था देखिएगा ये लोग कहीं वॉकआउट ना कर दें जब प्रधानमंत्री जवाब दें। कल वॉकआउट तो नहीं किया, पूरे 2.25 घंटे तक उन्होंने, 2.25 घंटे का था और 2.25 सेकेंड भी ठीक से सुना नहीं, लेकिन आज वॉकआउट भी कर दिया जो आपने उस दिन बात कही थी। तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री को ये कहने का मौका मिला बिल्कुल कि भाई आप उठाते तो हैं सवाल लेकिन आपको सच सुनने की हिम्मत नहीं है। लाल जी, सबसे इम्पोर्टेंट जो आज का डिस्कशन का है वो ये है कि हम लोग लगातार देख रहे हैं कि कहा जा ये रहा है कि इस बार का जो चुनाव है वो संविधान की रक्षा के लिए है।
तो आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसका जवाब देते हुए कि संविधान की रक्षा के लिए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को ही देश ने चुना है। ये जनादेश जो मिला है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है, वो संविधान की रक्षा के लिए ही बनाया है। तो ये जनादेश का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने जब कहा तो एक बात तो ये समझ में आती है कि ये स्पेशल सेशन राष्ट्रपति के अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव पे जो चर्चा थी, तो इस 24 घंटे के चर्चा में विपक्ष ने क्या क्या मुद्दे नहीं उठे, क्या क्या सवाल नहीं पूछा, लेकिन जब जवाब सुनने की बारी आई तो आपने लोकसभा का हश्र देखा और आज आपने राज्यसभा का भी हश्र देखा। सवाल उससे इंपॉर्टेंट है, क्या ये देश का संविधान जब हम कहते हैं तो ये किसी एक पार्टी के लिए नहीं है कि आप उसको पॉकेट में रखें और लहराते हुए लोगों को दिखाएं। ठीक, ये देश का संविधान है, 140 करोड़ लोगों का संविधान है। और आज अगर उस संविधान को राष्ट्रपति, जब हम राष्ट्रपति कहते हैं तब तो लोकसभा राज्यसभा के साथ राष्ट्रपति का अंतर्निहित होता है, राष्ट्रपति के साथ ही लोकसभा और राज्यसभा है, और उनके अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पे अगर विपक्ष का यह रवैया है तो आप कह सकते हैं जो जगदीप धनखड़ ने कहा कि ये संविधान का अपमान है, ये सदन का अपमान है। तो आप अगर इस तरह के अपमान करते जाएं और इकोसिस्टम का जो देश में जो चलाया जा रहा है नैरेटिव, तो उस नैरेटिव में बताया जाए ये आक्रामक विपक्ष है जो सरकार को चलने नहीं देगी इस बार, ये आक्रामक विपक्ष है जो सदन को चलने नहीं देगी इस बार, तो भैया सवाल ये उठता है, इसमें नुकसान तो इसमें किसी नेता का नहीं है। बिल्कुल, ये नुकसान देश के 140 करोड़ लोगों का है जिसके संसद बना है डिस्कशन डिबेट के लिए। आप उस डिस्कशन डिबेट को डिरेल कर रहे हैं, आप उस सरकार के इकोसिस्टम ये बता रहे हैं कि ये सरकार कमजोर है, तो आप जाहिर सी बात है कि ये सारे नैरेटिव इसलिए कर रहे हैं कि सरकार का जो विकास का संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प है, उसमें आप रोड़े लटका रहे हैं। बिल्कुल। टीना कर्मवीर जी, सीधा सवाल मैं बिना किसी लाग लपेट के पूछता हूं, विपक्ष को सवाल उठाना ही चाहिए, निश्चित तौर पर उठाना चाहिए, लोकतंत्र में यही तो है खूबसूरती, जो जायज सवाल है वो उठाइए और ऑथेंटिकेट करके उठाइए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दूसरी बात ये कि आप सवाल उठाइए तो उसका जवाब क्यों नहीं सुनना चाहिए? कल पूरे 2.25 घंटे में 2.25 सेकंड भी ठीक से नहीं सुना, 2.25 सेकंड की भी शांति नहीं रखी, और आज तो राज्यसभा से वॉकआउट कर गए। ऐसा सवाल उठाना फिर किस इसका इससे क्या मतलब सत्ता है, बताइए। देखिए, सुषमा स्वराज जी कहती हैं कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या इस देश के अंदर विपक्ष को सुना जाना चाहिए या नहीं? उनके माइक कैसे बंद कर दिए जाते हैं? आप इससे पहले का देख लीजिए, यूपी की सरकार थी, नेता प्रतिपक्ष कौन सा माइक बंद किया गया? मैं आपको बता दूं कि 90 मिनट तक राहुल गांधी बोले, माइक ऑन रहते थे। आज जब राज्यसभा में खड़के साहब बोलना चाहते थे, बताना चाहते थे, तो किस तरीके से अब वॉकआउट क्यों ना करें? क्योंकि देखिए, इस देश के बच्चों का भविष्य आप बेच दीजिए, आप इस देश में करोड़ों का घोटाला कर दीजिए, सब कुछ माफ, लेकिन अगर विरोध में विपक्ष अगर विपक्ष वॉकआउट करता है, मुझे थोड़ा सा इस पर आप सवाल ये थोड़ा सा मुझे स्पष्टीकरण दीजिए, थोड़ा माइक ऑन वाले पर, माइक ऑन वाले पर मुझे थोड़ा स्पष्टीकरण दीजिए। ये जो माइक आप कह रहे हैं कि ऑफ हो जाता है, ये माइक जिस समय ऑफ होता है, मुझे नहीं लगता है, सब एक तो मुझे ये नहीं पता कि माइक ऑफ होता है, मुझे तो लगता है कि माइक बिल्कुल ऑन रहता है, हम यहाँ सुनते रहते हैं, राहुल गांधी को भी सुनते हैं, प्रधानमंत्री को भी सुनते हैं, सबको सुनते हैं। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान लें कि आप माइक ऑफ होने के मुद्दे पर वॉकआउट करते हैं, उसी समय वॉकआउट कर जाना चाहिए था जिस समय राहुल गांधी का माइक ऑफ किया गया। यही तो विडंबना है कि मीडिया भी सत्ता पक्ष के साथ है। आप नहीं, सत्ता पक्ष के साथ नहीं है, मीडिया जायज सवाल पूछ रही है, मीडिया जायज सवाल पूछेगी। मैं आपसे कह रही हूँ कि हमारी जिम्मेदारी है कि लिख पर सवाल पर जवाब दे सरकार। तो दिया तो जवाब आपने सुना था, 3 मई से रात से मणिपुर जलता रहा, और कैसे मणिपुर पर भी पीएम बोले, आप आग में घी डाल रहे हैं, मणिपुर पर भी पीएम बोले, मोदी साहब को जवाब देना चाहिए था, आग लगाई आपने इस देश के अंदर, तो जवाब दिया तो सही, मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ, मैं वही पूछ रहा हूँ, जवाब दिया आपने, सुना नहीं, क्यों नहीं सुना? यही तो मुख्य सवाल ही यही है, जवाब नहीं दिया। वो झूठ जो है वो जनता भी नहीं सुनना चाहती उनका, और वो कहते हैं अरे 37% यानी जवाब भी अपनी पसंद का चाहिए आपको, इसलिए आपको आपको जनता के प्रति जिम्मेदारी होनी चाहिए, आपको जवाब देना चाहिए था, आप जवाब दिया, आप कह रहे हैं आपकी पसंद का जवाब नहीं दिया, माफी मांगनी चाहिए मणिपुर की महिलाओं से। आप वो क्या कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, आग लगाई आपने, माफी मांगनी चाहिए थी आपको। और माइक की बात रही, मैं आपको याद दिला दूं कि
जब सदन में जेटली साहब बोलते थे, बीच में इंटरवीन करते थे, कोई नहीं रोकता था उनको, सभापति एक लगातार प्रतिपक्ष से सवाल पूछते थे। आज प्रतिपक्ष की इन्होंने क्या हाल बना दिया है कि तुरंत माइक बंद कर दिया जाता है। कहा इसको आप कैसे सब चांसिएट करिए, प्रतिपक्ष की इतनी बातें सामने आई, कैसे माइक बंद हो गया मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है गोपाल जी क्या माइक बंद होने का काम होता है, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि विपक्ष का कोई माइक बंद होता है। हमने तो बिल्कुल विपक्ष की बातों को भी पूरा सुना है, राहुल गांधी जी की बातों को सुना है, विपक्ष के हर एक वक्ता की बात हम तक पहुंची, तो माइक ऑन था तभी तो हमारे तक पहुंची ये बात। कांग्रेस और अपोजिशन का जो रवैया हो रहा है ये पूरी तरह से झूठ और भ्रष्ट को साथ में लेके चलने का काम कर रहे हैं। और ये आज नहीं है, जब भी देखो अपनी बात कहो और भाग जाओ, न जवाब सुनना है न उस बात पे क्या आगे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, कौन सा मंत्री क्या जवाब दे रहा है, किसी चीज का कोई भी कोई इनको मतलब नहीं है। अभी 90 मिनट तक राहुल गांधी जी ने कितने झूठ बोले, और इतना तक उसका यह हुआ कि उनसे बार बार पूछा गया कि आपने जो बोला है, चाहे अग्निवीर के ऊपर हो, चाहे हिंदू धर्म को अंडरमाइन करने की बात हो, आतंकवाद हिंसात्मक वाला कहने की बात हो, या जो MSP पे आपने कहा है, इन चीजों पे आप जवाब, इन चीजों के लिए आप स्पष्टीकरण या इसका प्रूफ दीजिए, कुछ नहीं, सब झूठ। राजनाथ जी ने बता दिया कि अग्निवीर पे आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, बिंदुवार जवाब दिया है गोपाल जी, लेकिन सीधा सवाल ये कि क्या माइक बंद करने का काम होता है क्या? क्योंकि टीना कर्मवीर जी की पूरी बात जो थी उसमें सबसे बड़ी बात यही थी कि हमारे माइक को बंद कर दिया जाता है। कहां से बंद कर दिया, किसका बंद कर दिया, किसी का माइक बंद नहीं किया। राहुल गांधी का भाषण एक एक शब्द मैंने भी सुना है, सारे देश ने सुना है, लाइव चले हैं सभी स्क्रीन पे, तो लाइन जब चले हैं टीवी पे चले हैं तो कैसे बंद हो गया। खड़गे जी का सुना है हमने राज्यसभा में, सारे अपोजिशन का गगोई का सुना है। टीना जी का ये भी सवाल है कि जब कभी इंटरवीन करना चाहते हैं तो माइक ऑन नहीं होता, जब कभी विपक्ष इंटरवीन करना चाहता है, ये आरोप है इनका। विपक्ष इंटरवीन करना चाहता है, प्रधानमंत्री को आप इंटरवीन कर रहे हैं या करना चाहते हैं उसकी प्रोसीजर इनके ही एक MP ने बताया कि आपको इंटरवेंशन का टाइम, जब उसका वक्ता का जो अलॉटेटेड टाइम है वो खत्म हो जाएगा तब आप अपनी बात रख सकते हैं। बीच में भी इंटरवीन करना है तो आपको अध्यक्ष जी को कहना, खड़े होकर चिल्लाने लग जाओ, शोर मचाने लग जाओ, नारे लगाने लग जाओ, पोस्टर दिखाने लग जाओ, ये किस संविधान में किस संसद ठीक है लौटता हूँ आप लेके चल रहे हैं, ये बिल्कुल छोटा और टीना जी आपके पास कारी वाले काम करते हैं। ठीक है लौटता हूँ, टीना जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन विनोद जी आपके जरिए मैं जरा समझना चाहता हूँ। मैं मान सकता हूँ कि कभी कभार देखिए टेक्निकल चीजें हो सकती हैं, ठीक है टेक्निकल खामियां हो जाती हैं, उसमें माइक नहीं आ पाती, आवाज प्रॉपर नहीं आ पाती, लेकिन आपको लगता है, क्योंकि हमने आपने सुना है ना राहुल गांधी जी का हमने 90 मिनट सुना है, हमने विपक्ष के सारे लोगों का सुना है, तो माइक ऑन था तभी तो सुना, कैसे सुना हमने? देखिए मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन एक जस्ट अभी एक घटना हमारे सामने में है, डॉक्टर टीना अभी बैठी हुई है हाँ। और अचानक इनके माइक जो है वो स्लिप करके माइक गिर गई थी, गन माइक जो है। अब डॉक्टर टीना को किसी ने नहीं सुना है, तो अगर डॉक्टर टीना कहे कि दूरदर्शन ने हमारा माइक बंद कर दिया था तो नहीं, इनकी आवाज गई है, आवाज इनकी गई है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि जितनी अच्छी आवाज जानी चाहिए। ये नैरेटिव सिंपैथी के लिए हाँ। इसी बात की चर्चा करते हुए लोकसभा में जब पीएम मोदी ने एक कहानी सुनाते हुए कल कही थी हाँ। कि आप सिंपैथी लेते हैं कि हम पे इतना केस दर्ज हो गया है, ये लोकतंत्र खतरे में है, इसलिए हम लोकतंत्र खतरे में है। आप एक OBC समुदाय के लोगों को चोर कहेंगे और आप पे केस नहीं होगा तो आप ये लोग सिंपैथी लेंगे? आप पे जितने भी मुकदमे हैं अलग अलग में, आपने लोगों को अपमानित किया है, आप क्या इस देश के बादशाह हैं कि आप एक तरफा लोगों पे आरोप लगाएं, लोगों को आप एक तरह से जलील करें, लोगों को जिल्लत करें, और आप पे लोग पलट के उसके कंटेम्प्ट के लिए कोई एक लॉजिकल प्रयास ना करें, एक लीगल प्रयास ना करें, और आप ये विक्टिम कार्ड खेलें यहाँ संसद में कि आप कहेंगे कि नहीं हम पे एक विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष के नेता को देखिए, आप पे चार्ज है, नेशनल हेराल्ड केस में आप पे चार्ज है, आप जमानत पे हैं, यही बात तो पीएम मोदी ने कही थी। ने सुनाया, तो बिल्कुल आप सुनाया। किस तरह की नैरेटिव दे रहे हैं? ये पीएम मोदी ने जब आज भ्रष्टाचार पे सवाल उठाया लाल जी, ये बड़ी बात कही है। ठीक है, पीएम मोदी ने साफ साफ कहा है कि भ्रष्टाचार की कार्रवाई हमें जीत हार के लिए हम नहीं करते, ये चुनाव का फैसला नहीं है,
ये हमारा एक रिजोल्यूशन है कि इस देश से भ्रष्टाचार खत्म होनी चाहिए, ठीक है। और इस भ्रष्टाचार के कार्रवाई के नाम पे आप सीईडी को, सीबीआई को, सबको लेते हुए संविधान खतरे की बात करेंगे तो शायद यह देश अब नहीं मानेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप दोनों के पास आता हूँ, टीना जी आपके पास आऊंगा, गोपाल जी आपके पास भी, लेकिन जरा हम दिखाते हैं कि इस मामले में जो कुछ राज्यसभा में हुआ, वॉकआउट हुआ, तो क्या कुछ सभापति जगदीप धनखड़ ने इस मामले पर कहा है। माननीय सदस्यगण, अत्यंत दर्दनाक, पीड़ादायक, अमर्यादित आचरण से देखकर मैं हूं, शासन तीसरे निरंतर लगातार काल में है, 6 दशक के बाद। मैंने चर्चा की और मैंने अनुरोध किया कि प्रतिपक्ष के नेता को बिना बेरोक टोक बोलने का सुअवसर दिया। आज वो सदन छोड़कर नहीं गए हैं, मर्यादा छोड़कर गए हैं। आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है, उस शपथ का अनादर किया है जो संविधान के तहत ली है। भारत के संविधान की इससे बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकती। ऐसा कैसे हो सकता है, हाउस ऑफ एल्डर्स, द अपर हाउस, हमें देश का मार्गदर्शन करना है। मैं उनके आचरण की भर्त्सना करता हूं, देश के 140 करोड़ लोग इसे हाथ होंगे। सदन का मतलब है सत्ता पक्ष की बात सुनो, जब आपने अपनी पूरी बात कह दी। तो विपक्ष के वॉकआउट पर ये सभापति जगदीप धनखड़ की का दुख था, उनकी प्रतिक्रिया थी, और प्रधानमंत्री ने वॉकआउट पर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। मुकाबला करना, इसके लिए जिनके हौसले नहीं है वो बैठ करके इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। इन्होंने ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं, इस अपर हाउस की महान परंपरा को अपमानित कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता ने हर प्रकार से उनको इतना पराजित कर दिया है कि अब उनके पास गली मोहल्ले में चीखने के सिवाय कुछ बचा नहीं। नारेबाजी, हो हल्ला और मैदान छोड़ के भाग जाना, यही उनके नसीब में लिखा हुआ। सीधे मैं चलता हूं टीना कर्म जी, टीना कर्मवीर जी आपके पास, क्या ये हिट एंड रन के लिए जनादेश मिला है? विपक्ष जो थोड़ा मजबूत हुआ है ऐसे हिट एंड रन के लिए, और क्या यही चलता रहेगा इस बार? देखिए, मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि वॉकआउट हुआ है। आपको तो लग रहा है कि भाई 2014 के बाद ही मीडिया आया है, इससे पहले तो मीडिया था ही नहीं। आप मुझे बताइए कि इससे पहले क्या विपक्ष ने कभी वॉकआउट नहीं किया?
सवाल ये है कि मीडिया को ये सब और मीडिया को सभापति साहब को भी कैसे संपत्ति ले रहे हैं। हाँ। अरे बताइए ना, पूछिए मोदी साहब से कि आप क्यों नहीं गए मणिपुर अब तक। सवाल है कि नहीं है ये? मणिपुर की जनता देख रही है, वो भी इस देश का हिस्सा है। आपके 24 लाख छात्र जो नीट के छात्र है वो भी आपकी तरह टकटकी लगाए देख रहे हैं साहब। आप जवाब दीजिए उनको, जवाब दीजिए यूजीसी नेट के बच्चों को। जवाब दिया है नीट पर, जवाब दिया है? नहीं नहीं, कोई जवाब किसी तरीके का नहीं। ये एक तरफा जवाब है, एक तरफा आप चाहते हैं सदन चलता रहे, ये जानबूझकर ऐसा किया जाता है। अगर आप साहब, अगर आप विपक्ष को सुनना चाहते हैं तो उनका माइक ऑन रखिए, जब वो टोकना चाहे वही माइक वाली बात, फिर वही माइक वाली बात आप कह रहे हैं जिस पर हम पूरी चर्चा कर चुके हैं। कह रही हूँ क्योंकि यही एक विडंबना है, ये चाहते नहीं है कि ये बार बार, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी जैसे ही शिवजी का चित्र दिखाए माइक ओम बिड़ला की तरफ कर दिया जाता है, नहीं कैमरा ओम बिड़ला जी की तरफ कर दिया जाता है, लेकिन जब मोदी साहब पानी पिए तो ओम बिड़ला की तरफ कैमरा कर दिया जाता है। तो यही सच्चाई है और देश की जनता देख रही है। अरे 63% लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, तो इतना उछलने की जरूरत नहीं है। आपको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। और मोदी साहब, कब तक आप सिर्फ बधाइयां स्वीकार करते रहेंगे? हम तो कह रहे हैं कि आप 140 करोड़ का गोपाल जी, गोपाल जी ऐसा लग रहा है, मैं आ रहा हूं, गोपाल जी ऐसा लग रहा है कि टीना जी उनकी पार्टी ने यह तय कर लिया है और वो जनादेश की ऐसी व्याख्या कर रहे हैं कि हाँ हमें इसी तरह करना है। अब कैसे निपटेगी सरकार? देखिए, एक तो इस मानसिकता से निकल जाए कि जनता ने इन्हें जनादेश दे दिया, जनता ने मोदी जी को जनादेश दिया है तीसरी बार सरकार। नहीं, विपक्ष थोड़ा मजबूत तो हुआ है ना? विपक्ष मजबूत हुआ है तो विपक्ष का मजबूती का मतलब है विपक्ष की जिम्मेदारी करने के लिए एक्सपेक्ट करते हैं। एक तिहाई प्रधानमंत्री क्यों? चुनाव 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 पूर्व गठबंधन को 293 सीटें मिली है टीना जी। चुनाव पूर्व गठबंधन को, चुनाव चुनाव पूर्व गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला है। आपकी बात ठीक है, आप गोपाल जी को बोलने दीजिए, आप गोपाल जी को बोलने दीजिए। ठीक है गोपाल जी बोलिए। अब आपकी बात सुन ली ना, आपको यही तो प्रॉब्लम है। कल राहुल गांधी जी को परसों सबने सुना, खड़गे जी को सुना, हम सबने, प्रधानमंत्री ने खुद पूरे टाइम बैठ के बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए उनको। टीना जी आप कंट्रोल कीजिएगा, लेकिन उनको बोलने दीजिए। नहीं देखते उनको, पता है ये झूठ बोल रहे हैं। टीना जी झूठ बोलने का आरोप तो राहुल गांधी पर लगा और कितने सारे उनके भाषण के अंश निकालने पड़ गए हैं, कितने सारे भाषण के अंश निकालने पड़े क्योंकि वो ऑथेंटिकेट नहीं कर पाए। आपने उन्होंने बताया क्या गलत बोला, उन्होंने क्या गलत बोला बीजेपी, तो ऑथेंटिकेट कीजिए ना। अगर गलत नहीं बोले तो ऑथेंटिकेट कीजिए ना। शिक्षा प्रणाली को ध्वस्त कर दिया है बीजेपी आरएसएस ने मिलकर, आप देख लीजिए दिल्ली विश्वविद्यालय चले जाइए। ठीक है ये तमाम किस लिए है? विपक्ष की तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच कोई नहीं सुना। टीना जी तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच एक बात बिल्कुल मैं कहूंगा कि लोग जो जिन्होंने भी जनादेश दिया है ना, उनका जनादेश स्पष्ट है और वो क्या उम्मीद करते हैं उस उम्मीद को देखिए। और ये चीजें नहीं, सवाल उठाइए लेकिन जवाब भी पूरा सुनिए। गोपाल जी आपको चलते चलते जल्दी से कह दीजिए। मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि संविधान को हाथ में लेके बार बार दिखाने से संविधान उनको बोल लेने दीजिए। वो दूर बैठे हैं, वो स्टूडियो में नहीं है, उनको बोल लेने दीजिए। टीना जी उनको बोल लेने दीजिए। आपको संविधान बदलने का, अब आपको समझ में आया? टीना जी बोल लेने दीजिए उनको। आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने इस तरीके की बागवादे की, 400 पार आएंगे संविधान बदल देंगे। टीना जी उनको बोल लेने दीजिए, एक लाइन बोल लेने। टीना जी आपको पूरा सुना, शांति से रखिए, चिल्लाने से कोई आपको वोट नहीं मिल रहा है। संसद टाइप की बात यहाँ भी हो रही है, संसद टाइप की बात यहाँ भी हो रही है कि टीना जी को तो गोपाल जी सुन रहे हैं लेकिन गोपाल जी को टीना जी नहीं सुन रहे। चलिए फिलहाल जल्दी से विनोद जी आप भी एक लाइन जल्दी से बोल दीजिए। बात ये है संविधान की रक्षा, ठीक, संविधान के प्रोविजन इंस्टीट्यूशंस के चर्चा मुझे समाप्त करनी है। हाँ, बस एक लाइन में बस मैं कंप्लीट कर देता हूँ कि टीना जी ये डिस्कशन डिबेट की बात चाहे संसद में हो या संसद की बाहर हो, एक स्वस्थ परंपरा तो ये है कि आप सवाल उठाते हैं तो लोगों का भी सुने, बिल्कुल जवाब सुनना चाहिए। ये परंपरा इस नैरेटिव में ठीक है? नहीं, झूठ बोल, जवाब आपकी पसंद का नहीं देंगे, जवाब अपने हिसाब से लोग देंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया एक मिनट जी, मैं पूरी बात कर दूं। शुक्रिया, फिलहाल चर्चा में अभी फिलहाल समय की कमी है, लेकिन हम लोग इस पर आगे भी बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया टीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी, विनोद जी, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको लिए चले